भारत चीन सीमा विवाद पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा तनातनी को लेकर पीएम मोदी अच्छे मूड में नहीं है। ट्रंप ने कहा कि भारत चीन के बीच बड़ा टकराव चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने विवाद में मध्यस्थता की पेशकश दोहराई। चीन के साथ तनाव पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए और सीडीएस के बीच चर्चा। विदेश मंत्रालय ने कहा चीन के साथ मसले पर हल शांतिपूर्वक तरीके से निकालने की कोशिश। भारत ने चीन के साथ सीमा विवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश ठुकराई। भारत ने कहा कि सीमा विवाद का शांतिपूर्ण हल तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। सीमा विवाद पर राजनयिक और सैन्य स्तर पर चीन के संपर्क में है भारत। विदेश मंत्रालय के मुताबिक निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुलझाया जा रहा है मामला। देश की संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर भारत प्रतिबद्ध। विस्फोटक से भरी हुई कार के लिए आतंकियों ने कठुआ की बाइक की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने कठुआ से बाइक को बरामद किया। खुफिया एजेंसियों को गाड़ियों के जरिए कई और आतंकी साजिशों के सुराग मिले हैं। श्रीनगर का पंथा चौक, सोपोर और कुपवाड़ा हाईवे आतंकियों के निशाने पर। जम्मू कश्मीर में आईईडी एक्सपर्ट आतंकियों के सक्रिय होने की भी खबर है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी साजिश में शामिल। लॉकडाउन 5.0 को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से उनकी राय जानी। 31 मई को लॉकडाउन 4.0 खत्म हो रहा है। दिल्ली निजामुद्दीन मरकज मामले में एसआईटी ने 3 दिन में दाखिल की 915 जमातियों के खिलाफ 47 चार्जशीट। 15 लोगों ने दिन रात तैयार किए चार्जशीट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर पाकिस्तान के बयान पर भारत ने जताया एतराज, कहा पाकिस्तान अल्पसंख्यकों पर पहले अपने यहां का रिकॉर्ड देखे, पाकिस्तान को तो शर्मिंदा होना चाहिए। टिड्डियों के हमले को लेकर 16 राज्यों को केंद्र ने जारी किया अलर्ट। 6 राज्यों में पहुंचाया भारी नुकसान। ब्रिटेन से मंगाया जा रहा है टिड्डियों के सफाई के लिए स्प्रेयर, हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन का बयान, देश में कोरोना की वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया जोरों पर, अक्टूबर तक प्री क्लिनिकल स्तर पर पहुंचने में मिल सकती है सफलता। डॉक्टर राघवन के मुताबिक दुनिया भर में वैक्सीन बनाने की 4 प्रक्रिया है, भारत में चारों प्रक्रिया का इस्तेमाल कर वैक्सीन बनाने का प्रयास जारी है, साल के अंत तक इसे बना लिया जाएगा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 1,58,000 के पार। अब तक 4,531 लोगों की मौत, जबकि 67,692 मरीज ठीक हुए। 24 घंटों में कोरोना के 6,566 नए मामले। कोरोना संक्रमण रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद 13 बड़े शहर केंद्र सरकार के लिए बने चुनौती। ये शहर हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, ठाणे, कोलकाता और हैदराबाद। 13 शहरों में कोरोना के 70% मामले। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, पिछले 24 घंटे में कुल 1,024 नए केस सामने आए। राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,000 के पार हो चुकी है। 13 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे। महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ित करीब 18,000 लोग ठीक हुए। कुल संक्रमण के मामले 56,948 पहुंच चुके हैं। राज्य में अब तक कोरोना वायरस से 1,897 लोगों की हो चुकी है। दुनिया में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 24,13,000 से ज्यादा हुई। दुनिया में कुल 58,03,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं। अब तक 3,59,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है। सावरकर पर कांग्रेस नेता राशिद दलवी का विवादित बयान, अगर सावरकर को दिया जाएगा भारत रत्न तो अगले साल नाथुराम गोडसे को भारत रत्न देने की होगी बात। प्रवासी मजदूरों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा मजदूरों से न लिया जाए बस ट्रेनों का किराया, राज्य सरकारें भरे किराया, करें घर पहुंचाने की व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जगह जगह फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को केंद्र और राज्य सरकारें उपलब्ध करवाएंगी भोजन। अब तक केंद्र 3,700 ट्रेनों से 50,00,000 मजदूरों को भेज चुका है उनके घर। हवाओं का रुख बदलने से दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ सुहावना, कई जगहों पर बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा कि 30 मई तक ऐसा ही बना रहेगा मौसम, कल भी हुई थी हल्की बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून को हो सकती है देश में मॉनसून की पहली बारिश।
दक्षिण पूर्व और पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर बन रहा है कम दबाव का क्षेत्र, मानसून आगे बढ़ने में आएगी तेजी। मुंबई में 2 से 4 जून के बीच प्री मानसून और 10 और 11 जून से हो सकती है मानसून की बारिश। मौसम विभाग ने पहले 6 जून को मानसून आने की संभावना जताई थी। अब सिर्फ 10 मिनट में ई पैन आपके हाथ में होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की नई सुविधा की शुरुआत। बिना कोई फॉर्म भरे आधार के जरिए ही बनेगा पैन कार्ड। No signal, no worry. Presenting the news app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.